हम लोग अभी शूट के लिए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और रास्ते में एक पेड़ गिर गया है। बलिया कौन सा ये जगह है? बाहड़ी रोड के आगे। बाहड़ी रोड बांसडी की बाहड़ी पे बांसडी होगा ना? बांसडी। कल आंधी भी तो नहीं आई थी? कैसे यार पेड़ गिर गया? अब हम लोग ट्राई कर रहे, देखते हैं कि हम लोग की गाड़ी निकलती है कि नहीं निकलती है। निकल जाना चाहिए, हम लोग से हाइट इसका ज़्यादा है ना, तब हम लोग की गाड़ी निकल जाएगी। ऐसा लगता है कि हाइट कम है, हम लोग की हाइट कम है, टेम्पो की ज़्यादा है ना, देखो ना। टेम्पो वाला जो घुसा रहा जाएगा। चलो चलो चलो, हम लोग का तो निकल जाएगा। फंसा है ना अपना गाड़ी, ए ए ए इसका गाड़ी फंस नहीं निकलेगा, हमारा भी निकल जाएगा। नहीं उसका नहीं निकलेगा, अरे अपनी हाइट कम है, इसकी गाड़ी जो है छोटी है लेकिन हाइट ज्यादा ना। ए ए आधा से ज्यादा निकल गया, निकल जाएगा, अब निकल जाएगा। मेरे समझ पीछे का शायद थोड़ा सा फंसे, यही रास्ता जाम करेगा। निकलो दाहिने से यार। अब दाहिने से कहाँ से निकलेंगे? ये छोटा इधर से निकल जाएगा, ये फंसा दिया, निकल जाएगा, ये फंसा दिया, ये नहीं निकल पाएगा। देखो बैक कर रहा। तुम आगे करो ना, इसको निकालो ना, अरे इसको निकालो, इसको हटा दो भैया, इसको हटाओ। हम लोग शूटिंग के लिए जा रहे थे, रास्ते में रुके हुए हैं, देखते हैं कि मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, अभी बाद में मिलाऊंगा, पहले ही देखूं गाड़ी ही निकल जाए तो। है? कितना 50,000 वो निकलेगा तो हम निकल जाएंगे। टेम्पो वाला किनारे कब है? टेम्पो वाला ये यहाँ अपना घुसा, तुम बेवजह का घुसा रहा था एक टेम्पो वाले ने, जो समझदारी क्यों निकाल। हाँ इसका भी अगर ये कैरियर हटाया होता तो इसका भी निकल जाता, कैरियर है ना ये भी नहीं निकलेगा, लेकिन उससे हाइट कम है, चांस है। मौसम बहुत प्यारा है, अब मेरे पीछे बहुत प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं अभी। अब घुसा दो बेटा, घुसा दो। हम लोग निकल जाएगी, हम लोग निकल जाएगी आराम से निकल जाएगी, आराम से। ये पेड़ के नीचे से हम लोग की गाड़ी निकल जाएगी। और हम लोग की गाड़ी निकल गई। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अयाज खान, इस समय मैं बलिया में हूँ और अपने फिल्म का टाइटल अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है और बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगा कि फिल्म का टाइटल क्या है। और इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं हम लोग बलिया के बास्टी है ना, मनियर बास्टी नहीं, अभी शायद बास्टी के रास्ते से हम लोग होके जा रहे हैं, मनियर में शूटिंग करेंगे और रास्ते में मुड़ियारी गाँव में। और मेरे साथ हैं इस समय दो और भी लोग हैं, और एक तो है प्रेम सिंह जी, जिनकी आप लोगों ने फिल्म देखी थी पंगेबाज, रिलीज हो चुकी है, बहुत जल्दी ही टीवी पे आने वाली है तो आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। और दूसरे जो शख्स हैं वो कौन है? सेक्स नहीं, शख्स। थोड़ा सा इनकी उर्दू कमज़ोर है, हाँ तो थोड़ा सा ये गलत समझ गए, मैंने बोला शख्स तो इनकी थोड़ी सी उर्दू कमज़ोर है, कोई बात नहीं है, है ना, साथ में रहेंगे तो सीख जाएंगे। संजय
वर्मा जी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जो है कुछ दो शब्द जो है प्रेम बाबू जी। हाँ लीजिए, मोबाइल लीजिए, हाँ थोड़ा, और संजय बाबू आप भी लीजिए। नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अभी फिल्म की शूटिंग करने जा रहे हैं बलिया के मुरियारी गांव में, और अभी कार में हैं और साथ में आयाज भैया तो है ही, संजय भैया, संजय वर्मा जी हैं और रवि जी है पीछे, और अपने स्टाफ लोग हैं सब। बहुत मज़ा आ रहा है काम करके। लीजिए बात कीजिए संजय जी से। नमस्कार, कुछ बोला अंबानी आपके, संजय वर्मा, और इस समय आप लोग देख रहे हैं आयाज खान ऑफिशियल चैनल पर। हमको भाई सही नाम लिया हूँ ना? हाँ। तो इस समय हम लोग शूटिंग कर रहे हैं पनिहार। पनिहार का नाम आप लोग सुने होंगे, बड़ा चर्चित नाम है, उसका नाम था मनिहार, इसका नाम है पनिहार। मनिहार का नाम पहली बार जो नदिया के पार फिल्म में रजिस्टर्ड हुआ था, मनिहार की लड़की, और ये पनिहार है। एक पनिहार ये है कि वो था? अच्छा नहीं पता है, पढ़े लिखे लोग नहीं है ना, चला भंग उठा चाप है, हीरो बन जाते। तो हम लोग ये कर रहे हैं, हमारे पीछे एक दाढ़ी वाला शख्स दिख रहा होगा, सॉरी शख्स, थोड़ा उर्दू जो बताया ना आज भाई ने कमज़ोर है, और वैसे भी बाल जाने की वजह से थोड़ा दिमाग भी कमज़ोर है। कमज़ोर है कि बाकी और कुछ कमज़ोर तो नहीं है ना? नहीं, सारे कुछ मजबूत थे मेरे भाई। तो हम लोग इंजॉय करते हुए जा रहे हैं शूटिंग। इस समय सुबह के 9 बज चुके हैं, हम लोग आंधावे हैं और सेट पर जा रहे हैं, फिर इंजॉय करेंगे, शूटिंग करेंगे, इसके बाद धमाकेदार फिल्म जो ये इस पिक्चर के जो हीरो हैं प्रेम भाई, यही हैं बस, हम लोग का जो काम है कर रहे हैं। गुंडा भाई आगे बैठा हुआ है, हंसाने वाला पीछे बैठा हुआ है, हीरो देखो बगल बैठा हुआ, बेवकूफ बनाते रहते हैं। बाप रे बाप, इतनी तारीफ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और दोस्तों आप लोग ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद दुआएं बनाए रखिए, और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारे अपडेट्स करता रहता हूं, और आप लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहता है, और आप लोग हमेशा मुझे प्यार देते रहते हैं, और मैं चाहूँगा कि ये प्यार आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबको मेरा प्रणाम, सबको सलाम, जय भारत, जय, लव यू ऑल।